सभी योग अभ्यास, किसी भी तरह का अभ्यास हो चाहे आप आसन करें यम नियम प्राणायाम धारणा जो भी हो ध्यान समाधि शून्य चाहे आप कुछ भी करें मूल रूप से उन सभी चीजों की बुनियाद भूत शुद्धि या तत्वों की शुद्धि है या अगर आप शुद्ध नहीं कर पाते अगर आप में वैसी क्षमता नहीं है तो आपको तत्वों पर जाना होगा विभूति विभूति इसलिए है यानी तत्वों से परे अगर आप तत्वों को शुद्ध करेंगे तो आप एक खूबसूरत जीवन जिएंगे। अगर आप ये नहीं कर पाते तो सबसे अच्छी चीज है परे चले जाना खूबसूरत जीवन की दिशा में ना जाकर बस उनसे परे चले जाइए क्योंकि खूबसूरत जीवन, जीवन जीना एक ज्यादा जटिल परिस्थिति है परे जाने की तुलना में परे जाने का मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं जो ऊपर है वह भौतिकता की इतनी सारी जटिलताओं की परवाह नहीं करता लेकिन अगर आप भौतिक में होकर भी उससे ऊपर होना चाहते हैं तो भौतिकता पर थोड़ी ज्यादा महारत की जरूरत है अगर आपकी भौतिकता पर कोई महारत नहीं है तो आप भौतिकता के गुलाम बन जाएंगे तो भूत शुद्धि का मूल अर्थ है कि आप उन्हें पहले शुद्ध करना चाहते हैं ताकि आप धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंच जाएं जिसे भूत सिद्धि कहते हैं यानी आपको तत्वों पर महारत प्राप्त है हर इंसान को तत्वों पर किसी तरह की महारत हासिल है वरना आप एक सामान्य जीवन भी नहीं जी पाते फिलहाल आपके सिस्टम में पांच तत्व कितने अच्छे से व्यवस्थित हैं इसी से तय होता है कि यह शरीर कितना मजबूत स्थिर और संगठित है यह शरीर बस पांच तत्वों का खेल है ये दुनिया भी और यह ब्रह्मांड भी सब कुछ पांच तत्वों का खेल है इन पांचों में से जब तक कि आप दिव्य आयामों की खोज नहीं करना चाहते तब तक आपको आकाश की चिंता नहीं करनी पड़ती तो सिर्फ चार हैं इन चार में से आपके शरीर का बहत्तर प्रतिशत सिर्फ पानी है खुद को हिलाकर देखिए आप बस एक वाटर बॉटल हैं तीन चौथाई भरी हुई आपको समझना चाहिए कि यह धरती के तालमेल में है और धरती का लगभग बहत्तर प्रतिशत पानी है क्या आप ये जानते हैं हाँ जीवन इसी तरह विकसित हुआ है धरती की जो भी प्रकृति है वो आपके शरीर में अलग अलग तरीकों से व्यक्त हुई है तो लगभग दो तिहाई धरती पानी है और दो तिहाई शरीर भी पानी है तो जब आप खाना खाते हैं तो हमेशा ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा सत्तर प्रतिशत से ज्यादा हो इस एक चीज को पश्चिमी समाज अनदेखा कर रहे हैं और बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं अब हर जगह ऐसा हो रहा है हर सब्जी में सत्तर प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है हर फल में नब्बे प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है अगर आप शुद्धि करना चाहते हैं तो आपको फल खाना चाहिए अगर शरीर को ऐसा ही रखना चाहते हैं तो सब्जियों से ऐसा होता है और लगभग हर एशियाई भोजन में कुदरती रूप से सत्तर प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है परंपराएं इसी तरह से बनाई गई थीं। वे इस बारे में जागरूक थे सिर्फ पश्चिमी भोजन ही सूखे होते हैं आप अलग से पानी पिए तो वो काम नहीं करेगा भोजन में सत्तर प्रतिशत से ज्यादा पानी होना चाहिए तो बहत्तर प्रतिशत पानी है शरीर का बारह प्रतिशत पृथ्वी है आप जानते हैं आपके शरीर का सिर्फ बारह प्रतिशत ही पृथ्वी है मुख्य रूप से पानी है सो छह प्रतिशत हिस्सा वायु है वायु तत्व की साधना और शुद्धि सबसे आसान है क्योंकि सांसे मौजूद हैं जिसे आप कुछ तरीके से संभाल सकते हैं बाकी का चार प्रतिशत अग्नि है अग्नि पर महारत पाने से आपके साथ कई चीजें हो सकती हैं लेकिन क्योंकि आप गृहस्थ हैं और परिवार के साथ रहते हैं तो आपको अग्नि पर महारत पाने की जरूरत नहीं है आप इसे मौजूदा स्थिति में ही रख सकते हैं कभी कभी आप किसी को थोड़ा सा जला भी सकते हैं आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है आप शादीशुदा हैं अगर कभी कभी आप उन्हें थोड़ा सा न जलाएं तो शायद शादी कारगर भी न हो हाँ या ना। बाकी का छह प्रतिशत आकाश है आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप अस्तित्व के दिव्य आयामों की खोज नहीं करना चाहते अच्छे से जीने के लिए चार तत्व ही काफी हैं पांचवा उन लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो बस अच्छे से जीना चाहते हैं इनकी साधना के लिए अभ्यासों का एक पूरा सिस्टम है कुछ सीधे हैं बाकी घुमावदार हैं भूत शुद्धि का अभ्यास एक बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है या बहुत ही जटिल तरीके से भी किया जा सकता है तत्वों की कमान अपने हाथों में लेने के कई तरीके हैं एक चीज है आप इन्हें अपने भीतर कैसे लेते हैं आप इनसे कैसा बर्ताव करते हैं प्राचीन संस्कृतियों का पूरा सिस्टम इन चार तत्वों के साथ अच्छा बर्ताव करने के बारे में था ये चार तत्व आपकी रचना की बुनियाद हैं। अगर आप में इन पर बिल्कुल थोड़ी सी भी महारत होगी तो आप ऐसे जीने लगेंगे जो दूसरों को जादुई लगने लगेगा ये कोई जादू नहीं है क्योंकि अभी आप पानी पीते हैं देखिए कैसा है क्या यह आपकी तरह दिखता है क्या यह आपकी तरह दिखता है क्या यह आप में से किसी की तरह भी दिखता है लेकिन अगर आप इसे पी लें तो यह आप में बदल जाता है, है ना क्या ये जादू नहीं है जीवन खुद जादुई है जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो जादुई ना हो है ना बस आपकी किसी बीमारी का ठीक हो जाना ही जादू नहीं है इसे देखिए ये आप में बदल जाता है ये जबरदस्त चमत्कार है, है ना जब आप ये चमत्कार कर सकते हैं तो आप बहुत सी अन्य छोटी चीजें भी कर सकते हैं कोई बीमारी ठीक करना या कोई चोट लग जाए उसे ठीक करना संभव होगा क्योंकि आप पूरा शरीर अंदर से ही बना रहे हैं है ना चार तत्वों का इस्तेमाल करके आप अपना पूरा शरीर बना रहे हैं दुर्भाग्य है कि ये अचेतन रूप से हो रहा है बस यही है तो तो इस बारे में जागरूक होना कि ये चार तत्व इंसानी शरीर में कैसे बदल रहे हैं इंसानी शरीर से मेरा मतलब है इस पानी से आप एक बहुत ही जटिल मशीन बना रहे हैं है ना हाँ या ना ये कुछ ऐसा है कि मैं ये पानी जमीन पर गिराऊं और ये आईपैड बन जाए आप इसे क्या कहेंगे मान लीजिए मैंने पानी फेंका और वहां ये आईपैड बन गया आप इसे क्या कहेंगे चमत्कार है ना यही हो रहा है मैं इसे पीता हूं और ये मैं बन जाता है क्या यह चमत्कार नहीं है मैं उसी ट्रिप में डीगल एयरपोर्ट पर पहुंचा और वहां खड़ा सुरक्षाकर्मी चिड़चिड़ा दिख रहा था उसने पूछा कोई तरल चीज है मैंने ऐसे इशारा किया और वो चिढ़ गया उसने मुझे ऐसे देखा फिर वो मेरा बैग रखकर बोला कंप्यूटर मैंने ऐसे इशारा किया फिर वो जोर से हंसने लगा हम उससे बहुत प्रभावित हैं जो हमारे आसपास हो रहा है जो हमारे अंदर हो रहा है वो बहुत बड़ी चीज है है ना हाँ सभी कंप्यूटर बस इसकी एक छोटी अभिव्यक्ति है, है ना हम उससे मोहित हैं लेकिन इससे मोहित नहीं है यही हमारी समस्या है तो भीतर मुड़ना अपने आप में भूत शुद्धि है अगर वो आपके लिए संभव नहीं है तो सरल अभ्यास है अभ्यास है विधियां हैं और व्यापक सिस्टम है इन तत्वों पर महारत पाने के बारे में या अगर आप ऐसा करना नहीं जानते तो कोई अन्य व्यक्ति कोई विधि कर सकता है जिससे सभी को लाभ मिल सकता है भूत शुद्धि की विधियां हैं उदाहरण के लिए हर महीने ध्यान लिंग में पंचभूत आराधना होती है आप उसे करना नहीं जानते कोई और करता है और आप बस उसकी उपस्थिति में बैठकर लाभ पाते हैं